morning, 11th class. Let me start our English work of book Your Hornbill, chapter number 1, The Portrait of a Lady. It is written by Khushwant Singh. That is autobiography. वो अपनी grandmother के साथ अपने relations के बारे में बताता है इसमें कि वो विलेज में अपने grandmother के साथ रहता था. Grandmother बुज़ुर्ग, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, छोटी हाइट, झुकी हुई कमर, बट वो सुंदर लगती थी देखने में. कि वो अपने जब वो यंग रही होंगी तो बहुत ब्यूटीफुल रही होंगी. और वाइट साड़ी पहनते थे, उन पर कोई भी किसी तरह का कोई डिज़ाइन, कोई निशान नहीं होता था. प्योर वाइट साड़ी पहनते थे और हाथ में हमेशा बीड्स ऑफ रोजरी, जिसे हम वो माला बोलते हैं ना पूजा करने वाली, वो उनके हाथ में हमेशा रहती थी, ऑलमोस्ट रहती थी हमेशा उनके हाथ में. वो गाँव में रहते थे, वो घर का सारा काम करते थे ग्रैंड मदर. और उनका क्या काम होता था, सुबह जगाना खुशवंत सिंह को, उसको स्कूल के लिए रेडी करना, उसकी स्लेट्स पहले राइटिंग के लिए, जैसे अब आप लोगों के पास रफ नोटबुक्स होती हैं, आप लोग लिखते हो ना, जैसे अब राइटिंग बोर्ड बड़ा सा होता है, ऐसे छोटा सा पॉकेट में आने वाला, जस्ट लाइक राइटिंग बोर्ड आप कह सकते हैं, स्लेट होती थी, हम लोगों ने भी यूज़ की है. उस पर उससे स्लेटी से लिखना और उसको फिर रब कर देते थे, जैसे बोर्ड पर रब कर देते हैं, जिससे कि सेविंग होती थी देखो पेजेस की. पहले लोग कितना इको फ्रेंडली थे. उनकी स्लेट क्लियर करती थी, क्लीन अप करती थी. और खाने में क्या होता था, पहले ये ऐसा ही किया जाता था. ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रैंड मदर ऐसे उसको बासी खाना खिलाते थे. इट वाज एक्चुअल कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज की रात की बची हुई रोटी रखी हुई है, उसको उसके साथ बटर और शुगर, चीनी डालकर उसको सुबह नाश्ता कराते थे. और कुछ रोटियां अपने हाथ में स्ट्रीट डॉग्स के लिए लेके वो चल पड़ती थी. जहाँ वो जाता था स्कूल में, स्कूल और मंदिर पास में एक ही साथी थे, वो बाहर बरामदे में बैठकर टीचर से पढ़ाई किया करता था और बच्चों के साथ वो मंदिर के अंदर बैठकर वहाँ पर क्या है, अपनी होली बुक्स को वो पढ़ते रहते थे, पूजा पाठ करते रहते थे. ये उनका इस तरह से लाइफ चल रही थी विलेज में. और जब वो स्कूल ओवर हो जाता तो वो दादी के साथ वापस आ जाता. रास्ते में डॉग्स होते थे, स्ट्रीट डॉग्स, उनको क्या है, पीछे पीछे उनके चलते रहते थे और वो रास्ते में उनको रोटियां डालती जाती थी ग्रैंड मदर. और वो आपस में डॉग्स लड़ते थे, झपटते थे रोटी के लिए, एक दूसरे से पहले लेने के लिए. इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी. अब वो क्या है कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स उन दोनों को भी सिटी में बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ वो सेटल हो चुके होते हैं. वो सिटी में चले जाते हैं. अब सिटी में कोई स्ट्रीट डॉग्स तो होते नहीं हैं, आवारा कुत्ते तो वहाँ घूमते नहीं हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी वाले ले जाते हैं. या तो वो कौन से होते हैं, जो पेट होते हैं वो लोगों के घरों में होते हैं, उनको रोटी डालने कौन देगा. तो ग्रैंड मदर का ये काम छूट गया, नंबर वन ये छूटा. नंबर टू, पहले वो खुशवंत को जैसे स्कूल लेके जाया करते थे, तो अब वो भी नहीं था सीन. क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, बड़े स्कूल में पढ़ता था, उसकी वैन आती थी लेने के लिए. तो दादी माँ का स्कूल तक ले जाने का काम भी छूट गया. अब सिर्फ वहीं तक दादी माँ ले, वो बस में बैठता, स्कूल चला जाता. अब उसका साथ दादी से साथ कितना रह गया था, स्कूल से वापस आता दादी माँ उसे स्कूल में क्या क्या टीचर ने पढ़ाया वो पूछा करते थे, और वो उनको सारी बताता था, साइंस टेक्नोलॉजी जो जो सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए गए. बट शी वॉज नॉट हैप्पी कि उसको कुछ रिलीजियस नहीं पढ़ाया जाता. रिलीजियस नहीं पढ़ाया जाता तो उसमें मैनर्स कहाँ से आएंगे. तो दादी माँ को ये बहुत टेंशन और चिढ़ होती थी कि प्रेजेंट जो स्टडी उसको कराई जा रही है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना. धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा. और एक दिन उसने दादी माँ को बताया कि उसको उसकी म्यूज़िक की क्लासेस भी स्टार्ट हुई हैं. तो शी वॉज नॉट हैप्पी, क्योंकि उनके हिसाब से म्यूज़िक जो है वो अच्छे घर के बच्चों के लिए सीखने के लिए नहीं होता था. इसलिए वो अनहैप्पी थी, लेकिन वो बोलती नहीं थी. उनका वो सारा दिन वो जो है माला चलती रहती, वो पूजा पाठ करती रहती. हाँ, अब सिटी आके इतना चेंज हो गया था कि पहले तो स्ट्रीट डॉग्स को वो खिलाती थी, अब वो क्या करती थी, छोटे छोटे टुकड़े करके किसके, चपाती के, आंगन में अपने जो है स्पैरोज को डाला करते थे. स्पैरोज आती और वो जो है रोटी खा के वो चली जाती थी, कुछ खाती थी, कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाती थी. ऐसा वो चल रहा था. ऐसे ही टाइम चलता गया. अब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, बड़ा हो गया खुशवंत सिंह. और पेरेंट्स ने एक सेपरेट रूम अरेंज कर दिया फॉर खुशवंत सिंह. तो यहाँ तक क्या समझ आता है कि इससे पहले दादी माँ के साथ रूम में रहता था. अब वो जो उन लोगों का
इंटरेक्शन हो पाता था वो भी कम हो गया। वो कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता, दादी माँ को बस बिजी देखता, सारा दिन स्पिनिंग व्हील चलाती थी वो, चरखा काटते रहते थे, और बस सुबह चिड़ियों को खाना डाल देना, रोटी डाल देना, और बस सारा दिन पूजा पाठ करते रहना, यही उनका काम था। ना वो फालतू किसी से बोलते थे, ना कुछ था। तो अब वो क्या है कि यूनिवर्सिटी की स्टडी भी उसकी ओवर हो गई। अब खुशवंत सिंह का नंबर लगा कि वो अब्रॉड जा रहा है हायर स्टडीज़ के लिए। अब जो अंदर एंट्री टाइम एग्जिट टाइम में थोड़ी बहुत दादी से बातचीत होनी थी, वो भी अब वो बंद हो जाएगी, और इसी बात को उसको बहुत टेंशन थी। और वो ये सोचता था कि दादी माँ जो है वो रोएंगे, और उसका मन भी नहीं था जाने का, लेकिन करियर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू गो। उसको लगता था दादी माँ बहुत रोएंगे, लेकिन वो नहीं रोए, चुपचाप से पूजा करते रहे, अपनी चैंटिंग करते रहे धीरे धीरे। और जो है डिपार्टिंग टाइम में उन्होंने सिर्फ उसके फोरहेड पर किस किया, वही डिपार्टिंग किस था उसके लिए। फिर वो एब्रॉड चला गया अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। ऐसे ही वो हायर स्टडीज़ कंप्लीट करके आया 5 साल के बाद, तो उसने उसको अब ये सरप्राइजिंगली उसने देखा कि ग्रैंड मदर उसको स्टेशन पर लेने आई है, वो वहीं पर मिला। और बहुत तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसको हग किया, प्यार किया, ब्लेसिंग्स थी, और घर वापस आ गए। उस दिन उन्होंने पूजा नहीं की, बिल्कुल जैसे चैंटिंग वो करते रहते थे होल डे, वो उन्होंने नहीं की। पूजा के टाइम में भी पूजा नहीं की। उन्होंने क्या किया, अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ को इकट्ठा किया, और एक पुरानी सी ढोलक जो कसी हुई, चमड़ा भी नहीं था उसका, उस पर उसको बजाते हुए क्या है, एक वॉरियर जो कि एक योद्धा बाहर से युद्ध जीत के या कुछ पॉजिटिव अच्छा करके आता है, वो गीत गाते रहे। और हार के फैमिली को दादी की सेहत को देखते हुए रोकना पड़ा कि आप थक जाएंगी, अब गाना बंद कर दीजिए। उस दिन उन्होंने वही डे उन्होंने देखा था कि उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। फर्स्ट डे खुशवंत सिंह की नॉलेज में था कि विदाउट प्रेयर दादी माँ नहीं है। उन्होंने अपनी जो माला है, बर्ड है, उसको भी यूज़ नहीं किया, पूजा नहीं की है, होली बुक को नहीं पढ़ा है, बस योद्धाओं वाले गीत गाए हैं आज। क्यों? क्योंकि वो खुश थी कि उसका ग्रैंडसन एक अपनी स्टडी पूरी करके ठीक ठाक से वापस आ गया। वो क्या है, एक अटैचमेंट एक ग्रैंड मदर की अपने ग्रैंडसन के लिए, ग्रैंड चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट डे वो बीमार पड़ गए, बुखार हो गया, डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि लाइट फीवर है, जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन दादी माँ ने बोला कि हर एंड इज इन नियर, अब वो और नहीं जिंदा रहेगी। और उन्होंने प्रे करना स्टार्ट कर दिया, अपनी प्रेयर धीरे धीरे बुदबुदाते हुए, है ना, और अपनी माला के साथ हाथ में लेके पकड़े हुए। तो सबने मना किया दादी को कि ऐसा मत करो, लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी फैमिली के साथ बातें करके। वो ये चाहती थी कि भगवान का नाम लेते लेते उसकी लाइफ का एंड हो, और धीरे धीरे वो जो है मतलब उनकी मूवमेंट कम होती चली गई, चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, और सबको समझ आ गया कि अब वो शी इज़ नो मोर। जैसे कस्टमरी होता है कि डेड बॉडी को नीचे फ्लोर पर कुछ भी चादर बिस्तर बिछा के वहाँ लिटाया गया, और चिड़ियाँ सभी, पता नहीं कितनी स्पैरोज आई, आसपास के लोग जैसे आते हैं ना, वो तो आए आए, किसी की डेथ होती है, स्पैरोज बहुत सी इकट्ठी हो गई वहाँ पर। तो मदर अंदर से रोटी उठा के लाए, जैसे दादी माँ करते थे, उसके क्रम्स किए छोटे छोटे, क्रम्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े किए रोटी चपाती के, और उन्होंने किसको डाला, चिड़ियों को डाला, लेकिन उन्होंने कोई भी टुकड़ा नहीं उठाया, चुपचाप वहाँ बैठी रही, बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ नहीं की उन्होंने, ना चहचहाई, ना शोर किया, ना वो कोई किसी तरह की मूवमेंट, ना खाने पर उन्होंने ध्यान दिया, रोटी चपाती पर। और वो जैसे ही उनको मतलब अपनी कस्टम्स लास्ट फाइनल सेरेमनी के लिए लेके गए, उसके बाद वो स्पैरोज चुपचाप से उड़ के चली गई। और नेक्स्ट डे सुबह सफाई करवानी पड़ी खुशवंत सिंह की मदर को, जो सर्वेंट था घर से उससे, वो चपाती के जो क्रम्स थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको कलेक्ट करना पड़ा। तो ये खुशवंत सिंह यहाँ पर दिखाता है कि वो जो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ जो उसकी ग्रैंड माँ का लव था, जो बॉन्डिंग थी, उन अब वो डॉग्स सिटी विलेज के डॉग्स तो वहाँ पॉसिबल नहीं थे, स्पैरोज जिनको वो फीड कराते रहे, तो वो स्पैरोज भी समझती थी कि वो अब ग्रैंड माँ जिंदा नहीं है।
और उस और इसके साथ आप ये भी मान के चल सकते हैं कि अगर हम एनिमल्स या बर्ड्स के साथ लीनियंटली बिहेव करते हैं तो वो भी हमारे प्यार को समझते हैं और हर फीलिंग को समझते हैं। अब वो देखो स्पैरोस चपाती तो लेने आती थी, टुकड़े तो लेने आती थी चपाती के, है ना, अपना फीडिंग के लिए आते थे, लेकिन उन्होंने उनको टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं उसकी तरफ, उनको भी दुख था कि ग्रैंड माँ चले गए। तो प्यार हर जीव समझता है, हमें हर एक से बहुत जेंटली बिहेव करना चाहिए। हैव अ गुड डे।